सो गाइस, अगर आप किसी स्मार्टफोन का पावर बटन काम करना बंद कर दे तो आप उसको कैसे ऑन ऑफ कीजिएगा। अगर आपके फोन में पावर बटन जो आता है वो काम करना बंद कर देगा तो आप कैसे उसको ऑन कीजिएगा और कैसे उसको ऑफ कीजिएगा। और साथ ही मैं बता दूंगा, आपके फोन के जो है वॉल्यूम बटन जो है और वॉल्यूम ऑफ बटन दोनों काम करना बंद कर दे तो अपने फोन का वॉल्यूम कैसे डाउन कीजिएगा, कैसे ऑफ कीजिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के कुछ मतलब प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर जो आपके फोन में मतलब कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो गाइस, जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आपके फोन का पावर बटन भी मेरा जो पावर बटन है इसका है जो भी चल गया है तो ये काम वगैरह नहीं करता तो आप अपने फोन को ऑन ऑफ कैसे कीजिएगा। तो गाइस, सिंपल सा तरीका है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाया जाएगा, आपको अपने फोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से अपने फोन को ऑन कर सकते हैं बिना कोई पावर बटन के। तो गाइस, अगर आपके फोन का भी पावर बटन थोड़ा बहुत काम नहीं करता है तो आज की इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट चैनल को। चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ से क्या करना है आपको, अगर आपका पावर बटन काम करना बंद कर दिया है तो आपको अपने फोन के सेटिंग को यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो गाइस, सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको यहाँ से इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, तभी आप अपने फोन में कुछ इस तरह का मतलब सेटिंग वगैरह कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ से करना है आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट एज कन्वर्ट का ऑप्शन शो होता है तो आप इसको सिंपली अपने फोन में ओपन कर लें अपने सेटिंग में जाके। तो सेटिंग जाके ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो होता है जो स्मार्ट तरीके से वर्क करता है, जैसे कि असिस्टेंट बल हो गया, यहाँ पे काय हो गया, स्मार्ट साइडर हो गया, बहुत सारा आपको यहाँ ऑप्शन, गेस्टवर इज मोटिंग का ऑप्शन होता है जिससे कि आप अपने फोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से मैं पहले बता करता हूँ आपको अपने फोन को ऑफ कैसे करना है। अगर आपके पावर बटन काम करना बंद कर दिया तो आपको यहाँ देखिए असिस्टेंट बेल का ऑप्शन होता है, आपको करना है इस पे क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको तीन ऑप्शन होता है, टैब एंड डबल टैब एंड टच एंड होल्ड। आपको यहाँ तीनों में से किसी भी मतलब ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ देखते हैं वन टैब टू, यहाँ स्क्रीन शॉट मैंने लगा रखा हूँ तो इसमें आपको लॉक कैसे लगाना है। जैसे वन टैब हो गया, यहाँ से मैंने लॉक या स्क्रीन कर दिया हूँ जिससे कि मेरा फोन लॉक हो जाता है। सो गाइस, डबल टैप अगर आप करते हैं अपने फोन में तो आपको मतलब यहाँ से मैंने सेट कर रखा है क्या स्क्रीन शॉट, तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके से अपने फोन में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मतलब नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रीन शॉट बंद कर देंगे तो यहाँ से मेरा बंद हो जाएगा। सो गाइस, मैं डबल टैप पर अभी स्क्रीन शॉट लगाता हूँ जिससे कि आपका मतलब अपने फोन में डबल टैप हम अगर आप करते हैं तो मेरा जो फोन में होता है स्क्रीन मतलब अपने आप जो था स्क्रीन शॉट हो जाएगा। इस पर अभी डबल टैप करता हूँ तो मेरा जो फोन में जो है देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली मतलब स्क्रीन शॉट हो गया है। सो गाइस, वो हो गया मतलब आप अपने फोन में मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे आपको पावर ऑफ करना है अपने फोन का। यहाँ जैसे मतलब यहाँ आपको सिंपली शो हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है वन टैप टू, यहाँ पर मेरा लॉक स्क्रीन, तो मैं इस पे मतलब इसको करूंगा वन टैप तो मेरा जो है लॉक स्क्रीन हो जाएगा और डबल टैप करने से मेरा जो है स्क्रीन ऑन हो जाता है। सो गाइस, अपने फोन में इस तरह का सेटिंग कैसे करना है तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिससे कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ से आपको करना क्या है, मतलब इसमें आ जाएंगे इस मतलब स्मार्ट कॉर्नर पे आपको आ जाना है, उस पर आपको असिस्टेंट बेल में कर देना है क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्स का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इसको कर लेना है अपने फोन में, इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का मतलब शो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से, तो इसमें आप मतलब कुछ ही लगा सकते हैं कि अपने फोन को लॉक करना है तो आपको कुछ देख सकते हैं, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अब अगर आप अपने फोन को ऑन ऑफ करना होगा तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट बेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने फर्स्ट पर ही कर दिया सिलेक्ट, उसके बाद तीनों ऑप्शन में आपको कुछ सिलेक्ट कर लेना है। तो कैसे ये तो हो गया मतलब अपने फोन को ऑफ कैसे करना है, तो अपने फोन को ऑन कैसे करना है मैं आपको वो भी मतलब बता देता हूँ। तो कैसे उसके बाद आपको यहाँ जो दिखाई देता है गेस्टवर इज मोटिंग का ऑप्शन आपको करना है इस पर क्लिक। तो कैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखते हैं यहाँ पर राइट टर्न ऑफ स्क्रीन, अगर आप अपने फोन को राइट से टर्न ऐसे कीजिएगा तो आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली मतलब ओपन हो जाएगा। तो क्या जानते हैं थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, अगर आप अपने फोन पर कुछ इस तरह करते हैं तो आपका फोन में मतलब स्क्रीन शॉट हो जाता है। सो गाइस, देखते मैं अपने मेरा जो अभी पावर बटन मतलब काम नहीं करता है मेरा फोन का, तो मैंने यहाँ से कुछ सेटिंग कर रखा जिससे कि मैं अपने फोन को ऑन भी कर लेता हूँ और ऑफ भी कर देता हूँ। जैसे मैं इसको अभी क्लिक किया तो मेरा फोन अभी ऑन ऑफ हो गया, तो इसको कैसे कितना भी प्रेस करेंगे तो मेरा जो था फोन ऑन नहीं होगा, तो मैं इसको डबल टैप करूंगा तो मेरा फोन जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जिससे कि मैं अपने फोन को ऑन कर लेता हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह कंटेंट देखने को मिलता रहे। तो गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।